सुपर डांसर चैप्टर 4 में हमेशा अपने डांस से कॉमेडी करने वाले शानदार परफॉर्मेंस से सबका मनोरंजन करने वाले कोरियोग्राफर वैभव गुगे आज मंच पर काफी ज्यादा भावुक होते हुए नजर आते हैं। आज वैभव ने अपने शिष्य छोटे बर्मन यानी सुमित के साथ हेरा फेरी मूवी के गाए हुए गाने पर धमाकेदार परफॉर्मेंस पेश करेंगे। उनकी परफॉर्मेंस देख शिल्पा शेट्टी ने कहा, वैभव पता है आपके सारे एक्ट हमेशा बहुत एंटरटेनिंग होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन एक्ट के लिए क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। शिल्पा शेट्टी ने आगे कहा कि मैं माफी मांगना चाहती हूँ इस बात के लिए कि कभी मैंने आपको क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आपको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। गीता कपूर ने भी वैभव की तारीफ करते हुए तालियां बजाई और उन्होंने कहा, प्रीमियर के बाद आपने परफॉर्मेंस में कितने वेरिएशंस दिखाए, आपके शिष्य भी आपकी तरह स्मार्ट हैं और होशियार बन रहे हैं। जजों की तारीफ से मिला प्यार देख वैभव भावुक हो गए। शो के होस्ट ऋत्विक ने कहा, वैभव बताइए क्या चल रहा है आपके मन में। तब वो रोने लग गए और उन्होंने कहा कि जब भी माँ हो, मैम हो या दादा, जब भी कोई बोलता है तो मैं लोगों को ये प्रूव करता हूँ कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ। ये सब यंगस्टर्स हैं, नए नए कोरियोग्राफर्स आते हैं और मैं प्रूव करने के पीछे पड़ता हूँ। मेरा 2.5 मिनट दुनिया को अच्छा लगना चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन जब यहाँ ऐसी बातें होती हैं तब मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मुझे पता है वैभव से ज्यादा उसका काम बोलता है। वैभव की बात सुनकर गीता कपूर ने कहा, आपका काम 100% बोलता है। उनकी बातें सुनकर शो के जज अनुराग बसु भी इमोशनल हो गए हैं। अपने सुपर गुरु को इस तरह से रोते हुए देख छोटा सुमित भी रोने लग गया। तो शो के होस्ट मेहमान सुनील शेट्टी ने कहा कि वैभव, अगर तुम्हें कोई बूढ़ा बुलाता है तो उन्हें साबित करो उम्र सिर्फ एक नंबर है, बाकी कुछ नहीं है। अगर नहीं माने तो मैं भी हूँ। सभी जजों की बात सुनने के बाद आखिरकार वैभव के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अब दोस्तों आप बताइए, आपको वैभव का डांसिंग कोरियोग्राफी कैसा लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ में ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।